नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तराखंड में कांग्रेस मिशन 2022 की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून दौरे पर हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान देवेंद्र यादव कार्यकर्ताओं को भी चुनावी मंत्र देंगे। इससे पहले देवेंद्र यादव हल्द्वानी और रुद्रपुर का दौरा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस में इन दिनों बागी नेताओं की वापसी की भी चर्चा है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर बेदाग छवि वाले नेता हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। उत्तरकाशी में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है कि सुबह 11:26 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.3 बताई जा रही है। गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहां पर हल्की सी हलचल होने पर भी लोग सहम जाते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें पहले चरण में 25 आशा वर्करों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान यह ड्राई रन सफल रहा। हालांकि एक स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाने के बाद स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के चलते उसे चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा गया। SDM ऋचा सिंह के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक लालकुआ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापक पैमाने पर किसानों की भागीदारी हुई। धरने की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते की गई। धरने के माध्यम से मांग की गई कि मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए संसद का आपातकालीन सत्र बुलाए, क्योंकि ये कानून असंवैधानिक तरीके से संसद में पारित किए गए हैं। किसानों को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून कॉरपोरेट के मुनाफे और किसानों को बर्बाद करने वाले कानून हैं। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हजारों रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लंबित वेतन के भुगतान करने और ACP के गलत निर्धारण करने और चालक परिचालन के कार्य निर्धारण सहित अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। उधर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि परिवहन निगम के कर्मचारी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवहन निगम की दशा इस समय क्या है। कोरोना काल के दौरान सब कुछ समाप्त हो सा गया था। अब लॉकडाउन हटने के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और अभी अनुपूरक बजट में भी मुख्यमंत्री द्वारा उनके वेतन संबंधी बजट जारी किए गए हैं और सरकार जल्द से जल्द उनकी दिक्कतों को दूर करेगी। लिहाजा इस तरह चक्का जाम या आंदोलन से हल नहीं निकलेगा। कर्मचारियों को आपस में बैठकर बात करनी होगी, क्योंकि सभी कर्मचारी परिवहन निगम की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लालकुआ BJP के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कोविड-19 ड्राई रन संपन्न होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पवन कुमार चौहान ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोविड-19 पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्ति की दिशा में लगातार बढ़ रहा है और देश के साथ आज प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ पूरा हुआ। इस ड्राई रन को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, आशा कार्यकर्ता सभी को बधाई दी गई। धर्मनगरी में होने वाले साल के पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान पर जहां एक ओर कुंभ पुलिस अपनी ओर से मुस्तैद हो रही है, वहीं हरिद्वार रोडवेज भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। हालांकि यह स्नान कुंभ पर्व स्नानों में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी पुलिस इस स्नान को अपनी कुंभ रिहर्सल के तौर पर ले रही है। इस संबंध में रोडवेज के अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान को लेकर रोडवेज की भी तैयारियां हैं। जिस तरह की भीड़ मकर संक्रांति के स्नान पर दिखती है, उसको देखते हुए 14 जनवरी को लोकल फेरे बढ़ाए जाएंगे। कहते हैं विकास अपने साथ कोई न कोई आहुति जरूर लेता है। इस बार यह आहुति कुंभ में निकलने वाली शोभा यात्राओं के तय मार्गों के रूप में सामने आई है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने नए फ्लाईओवर के कारण कुंभ 2021 में अखाड़ों द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के कई सौ वर्ष से चले आ रहे तय मार्गों को बदलने की नौबत आ गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है, जिस पर कई फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, तो वैसे तो जरूरी भी है, लेकिन इनके कारण कुंभ 2021 में अखाड़ों द्वारा निकाले जाने वाली पेशवाइयों की मार्गों के बदलने का फैसला लिया गया। कोरोना संकट अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ कि वहीं इस बार नववर्ष पर नया संकट मंडराने लगा, जिसका कहर इस बार पक्षियों पर पड़ रहा है।
देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत के बाद सभी राज्य अब अलर्ट मोड पर जा चुके हैं। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ हिमालय बेल्ट के ऊपर मशहूर हिमाचल में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में कुंभ 2021 के लिए मेला प्रशासन भी अलर्ट पर है। इसका कारण पिछले कुछ वर्षों से हर वर्ष प्रवासी पक्षी हरिद्वार के भी मगोड़ा बैराज पर आते हैं, जिसको लेकर कुंभ मेला प्रशासन द्वारा वन विभाग और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कुंभ मेले को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।